primary germ layers mesoderm derivatives first the contents formation of mesoderm celom formation skeletal system urinary and structures circulatory system muscular system and the skin so first what is see the mesoderm student mesoderm is the third important primary germ layers or the embryonic layer मिजोरम बेसिकली जो है वो गैसुलेशन स्टेज के जो थ्री प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती हैं उनमें से एक है द फर्स्ट वन इज द एक्टोडर्म द सेकेंड वन इज द एंडोडर्म एंड द थर्ड वन इज द मिजोडर्म इंटरेस्टिंगली मिजोडर्म इज इन्वॉल्व इन देंस ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन ज़्यादातर जो बॉडी ऑर्गन है वो मिजोडर्म से ही आगे इवॉल्व होते हैं पोजिशन वाइज अगर हम देखते हैं इट इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म तो मिजोडर्म जो है ये बेसिकली एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान की लेयर है उनके दरमियान ये पोजिशन करती है वाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर विच आर फाउंड बाई द मिज़ोरम मिजोरम से बनने वाले स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास है सिलोम सिलोम कहते हैं बॉडी कैविटी को हमारे ये बॉडी के अंदर जो स्पेस है अगर हम देखें हमारे रिब्स के नीचे हमारे बाकायदा एक स्पेस मौजूद है स्पेस को हम कहते हैं बॉडी कैविटी या फिर सिलोम सिलोम की डेफिनेशन भी यही होती है कि ये ऐसी बॉडी कैविटी जिसके अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी मिजोरम मौजूद होती है इट मीन्स सिलोम की फॉर्मेशन ही बाय मिजोडर्म होती है अगर दोनों तरफ सिलोम मिजोडर्म मौजूद नहीं है तो हम इसको सिलोम नहीं कहते हैं फिर हम इसको सूडो सिलोम कहेंगे अगर वो मौजूद है या फिर ये मौजूद ही नहीं होती है तो अब जो सिलोम की फॉर्मेशन है इसके दो पैटर्न हैं एक पैटर्न ये होता है कि जैसे ही गैसेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है तो इसमें ये होता है कि जो मिजोडर्म है वो दो बड़े सोमाइट्स की ब्रॉक की फॉर्म में आ जाती है वो ब्लॉक ब्लॉक्स क्या करेंगे दरम्यान में स्प्लिट हो जाएंगे तो इससे दोनों स्प्लिट होने की वजह से दरमियान में कैविटी बन जाती है तो एक पैटर्न ये है कि मिजोरम जो है वो पहले ब्लॉक्स बनाती है उनको सोमाइट्स कहते हैं वो स्प्लिट होकर दरम्याण में मिजोरम बना देते हैं सिलोम बना देते हैं इसको कहते हैं स्प्लिटिंग तो सिलोम इज फॉर्म बाई द स्प्लिटिंग ऑफ मिजोरम दूसरा पैटर्न ये होता है कि जो ऑर्केंटी है यहाँ से दो आउट पॉकेट्स निकलती हैं और ये आउट पॉकेट्स आहिस्ता क्या करती हैं मिजोरम के दरमियान कैविटी बना देती हैं तो इसका मतलब ये होगा इसका आउट कोचिंग या आउट पॉकेटिंग आउट पॉकेटिंग की वजह से जो है वो मिजोरम बन सकते हैं तो दे आर टू बेसिक मेथड्स सिलोम के अलावा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम्स स्केलेटल सिस्टम हमारी कार्टिलेज और बोन्स हैं ऑल द बोन्स दे आर द प्रोडक्ट ऑफ मिजोरम तमाम बोन्स जो होती हैं ये मिजोडर्म से बनाती हैं तो इससे हमारी बॉडी की स्पेसिफिक शेप है जो स्ट्रक्चर है इट इज़ जुड़ता है मिजोडर्मल सेल्स तो ये मिजोडर्मल सेल्स जो आगे जाकर बोन्स बना देते हैं और बोन्स की एक टाइप जो कार्टिलेज होता है उसमें आपको पता है कि बोन्स के ही एक पैरेलल होता है लेकिन ये बोन्स की तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता बल्कि ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं देन यूरिनोजनिटल स्ट्रक्चर्स यूरिनोजेनिटल स्ट्रक्चर में पास किडनीज हैं kidneys, gonades. Gonades और किडनीज गोनेड्स गोनेड्स में टेस्टिस और ओवरीज आ जाएंगी गोनेड्स टेस्टिज एंड ओवरीज एसोसिएटेड ग्लैंड जितने भी ग्लैंड इनके साथ मौजूद हैं ठीक है जो रिपोडक्शन में इन्वॉल्व हैं बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं सिमिलरली एड्रीनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर मौजूद हैंज बाई द मिजोडर्म सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल द सर्कुलेटरी सिस्टम इज फॉर्म बाई द मिजोडर्मल सेल्स तमाम जो सर्कुलेटरी सिस्टम के सेल्स हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेजर कंपोनेट्स हैं नंबर वन ब्लड नंबर टू ब्लड वेजल्स नंबर थ्री हार्ट ब्लड जो है ये भी मिजोरॉर्म से बनेगा ब्लड वेजल्स ब्लड वेजल्स में आर्टरीज वेन्स एंड जो कैपिलरीज आ जा जाएंगी तो तीनों चीजें जो होती हैं दे आर फाउंड बाय द मिजोडॉर्मल सेल्स सिमिलरली हार्ट हार्ट के जो सेल्स हैं जिसको जो है वो दे आर आल्सो फाउंड बाय द दे आर आल्सो डिराइव्ड बाय द मिजोडॉर्मल सेल्स तो ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स हैं ये सारे के सारे मिजोडॉर्मल इनरोजन होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में तीन तरह के मसल्स हैं दैट इज द सिकेल्टल मसल दैट इज द स्मूथ मसल एंड द कार्डियक मसल्स सिकेल्टल मसल्स बोन के साथ अटैच हैं स्मूथ मसल्स इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में जो है वो मूवमेंट uh, या बाकी काम में इन्वॉल्व हैं और कार्डियक मसल्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द हार्ट में जो हार्ट का स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं ऑल दीज थ्री मसल्स दे आर फॉर्म बाई द मिजोडॉर्मल सेल्स सिमिलरली स्किन स्किन का जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम एपीडर्मस कहते हैं वो एक्टोडर्म बनवाती है लेकिन स्किन के जो नीचे दो लेयर्स हैं दैट इज द डरमस एंड हाइपोडर्मस बोथ आर फाउंड बाय द मिजोडर्मल सेल्स वो दोनों जहां मिजोडर्मल सेल्स की बनाएंगे इसके अलावा बहुत सारे और टिश्यूज हैं जो मिजोडर्म बनाती है द इंपॉर्टेंट वन ज्यादा टेंडन्स एंड लेगामेंट्स टेंडन्स हैं लेगामेंट्स हैं टेंडन्स और लेगामेंट आपको पता है कि जो टेंडन्स हैं ये मसल्स को बोन के साथ अटैच करते हैं लिगामेंट्स हमारी बोन्स को प्रॉपर पोजिशन पर रखते हैं एंड द एडिपोज टिश्यूज़ एडिपोज टिश्यूज़ वो हैं जो आमतौर तो पर हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करते हैं फैट स्टोरिंग टिश्यूज को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं ऑल दिस स्ट्रक्चर दे आर आल्सो फाउंड बाई द मीज़ोडर्मल सेल्स तो अगर हम देखें कंपेरेटिव देखें तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की नस्बत मीज़ोडर्म से बहुत ज़्यादा ऑर्गन जो होते हैं वो डेवेल्प होते हैं